हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि पुराने टी शर्ट को कलर कैसे करें डार्क ब्लू में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले टी शर्ट का हालत देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है। टी शर्ट को पानी में गीला करेंगे। किसी चीज़ पे रखेंगे पानी गिरने के लिए। गैस ऑन करेंगे, पतीला रखेंगे, 3 लीटर पानी इसमें डालेंगे। लकड़ी का डंडा लेंगे, 50 ग्राम नमक इसमें डालेंगे और पानी को 10 मिनट उबालेंगे। 10 मिनट हो चुका है। कदम पक्का रंग इसमें डालेंगे जो कि मैंने लिया है। अगर आपको भी लेना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। एक टी शर्ट में एक पॉकेट कलर डालेंगे। कलर को 10 मिनट उबालेंगे। दस मिनट हो चुका है। हाथ में ग्लव्स पहनेंगे ताकि हाथ पे कलर ना लगे। टी शर्ट को अब कलर में डालेंगे। टी शर्ट को कलर में 45 मिनट रखेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। ऊपर नीचे करेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे चढ़ेगा। कलर में इसी तरह से दबेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। डाइफिक्स इसमें डालेंगे जो कि मेरे पास पहले से बचा था, वही यूज करेंगे। अगर आपको लेना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। डाइफिक्स यूज करने से यही फायदा होगा कि कपड़ा का कलर फिक्स हो जाएगा। टी शर्ट को फिर से ऊपर नीचे करेंगे। पाँच पाँच मिनट पे ऊपर नीचे करेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। जींस कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। शर्ट कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। डेनिम जैकेट कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। पैंतालीस मिनट हो चुका है। गैस ऑफ करेंगे।
टी शर्ट को बाहर निकालेंगे। कलर गढ़ने के लिए कुछ देर रखेंगे इसी तरह से। कलर गढ़ चुका है, अब डाईफिक्स वाला पानी में डालेंगे, उसमें 10 मिनट रहने देंगे ताकि कलर फिक्स हो जाए। 10 मिनट हो चुका है, टी शर्ट को बाहर निकालेंगे, पानी गढ़ने के लिए कुछ देर रखेंगे। सूखने के बाद देखिएगा कितना बनिया डार्क ब्लू टी शर्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचेगा।